हे गाइस, आज के वीडियो में आप सभी लोगों की डिमांड पर लेके आया हूँ। काफ़ी टाइम से जो वीडियोस के कमेंट सेक्शन है, मेरी जो रीसेंट वीडियोस है वहाँ पे आप सब लोग कमेंट करके कह रहे थे कि एक जीएसटी के ऊपर आप वीडियो ज़रूर लेके आइए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। और कुछ लोग मुझे डीएम भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि इसके ऊपर उनको वीडियो चाहिए। तो आज ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के कहने पर बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को यही एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि अगर आप आईफोन परचेज करना चाहते हैं, अब चाहे वो लेटेस्ट सीरीज हो या फिर एक दो साल पुराने, यहाँ पे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सब पे ये प्रोसेसर एप्लीकेबल होता है। तो क्या प्रोसेस है, कैसे आप अपना जो है कितना परसेंट तक जो टैक्स बचा सकते हैं, एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित, वेलकम टू माय चैनल जिसमें हम करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस टाइम पे जो हमारे चैनल का सब्सक्राइबर गोल चल रहा है वो है 10K सब्सक्राइबर्स को हिट करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प करती है तो इसे लाइक करना और हो सके तो इसे एंड तक देखना। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। और जिन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है कि जीएसटी कैसे वर्क करता है, क्या है, क्या प्रोसीजर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप सभी लोगों को देना चाहूंगा जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे आप जो पैसे हैं यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो सपोज करिए, यहाँ पे अगर कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई भी प्रोडक्ट सेलर है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचना चाहता है, तो एडिशनल 18% का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इसके वजह से जो प्रोडक्ट के प्राइस में वो 18% ऐड करके जो हम सब लोगों को, जो कंज्यूमर को है, वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं सबके पास एक वैलिड जीएसटी नंबर रहता है और उनको मंथली या फिर जो क्वार्टरली है वो जीएसटी जो रिटर्न है वो फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे जो 18% का टैक्स कलेक्शन हुआ, जिसको हम जीएसटी के नाम इस टाइम पे कह रहे हैं, तो जो भी कस्टमर से कलेक्ट हुआ है यहाँ पे, अब वो सारा का सारा गवर्नमेंट को उनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है जस्ट एक मीडिएटर का काम कर रहा है गवर्नमेंट और कस्टमर के बीच में। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मार्केट में बनाए रखना चाहता है, स्टेबल रखना चाहता है, या फिर काफी सारे लोग जो अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको भी काफी सारी चीजें मार्केट के अंदर से परचेज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है थोड़ा बहुत रिलीफ बिजनेसमैन को दे देती है, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के नेम से जानते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो बिजनेसमैन परचेज करता है जो कि उसके बिजनेस के काम आने वाली है या फिर उसके बिजनेस में हेल्प करेगी ग्रो करने में, तो यहाँ पे जो टैक्स का रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है और उसी को हम नाम देते हैं यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जितना सिंपल हो सकता था मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैं आप सभी लोगों को समझाता हूं कि अगर आप फोन परचेस करना चाहते हैं इससे तो क्या क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे मैं कुछ कंडीशंस और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूं जीएसटी जो आप इनपुट लेना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपके पास एक जो है वैलिड जीएसटी नंबर होना चाहिए, किसी का भी बिजनेस हो उसका आप यूज कर सकते हैं, उनके थ्रू आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो बिल बनेगा वो जो बिजनेस नेम है उसी के नेम पे ही बनेगा। अब चाहे वो फ्रेंड का बिजनेस हो, चाहे आपका बिजनेस हो, फादर का बिजनेस हो, इससे कुछ भी मतलब नहीं पड़ता। जस्ट आपके पास एक वैलिड जीएसटी नंबर होना चाहिए और इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना जो बिल आपका बनेगा वो आपका जो बिजनेस के नेम है उसी नेम से बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं, आप कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट है वो परचेस कर सकते हैं जो कि आपके बिजनेस को मेंटेन करने में या फिर ग्रो करने में आपकी हेल्प करे और उस पे आप बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर थोड़ा बहुत जो टैक्स है वो बचा सकते हैं। अब तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों को काफी ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि अगर हम स्मार्टफोन बाय करते हैं इस वाले प्रोसीजर को फॉलो करके या फिर कोई अदर प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसमें क्या चांसेस है कि हमें जो टैक्स रिटर्न है वो नहीं मिले। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज करिए आपका शू का बिजनेस है और यहाँ पे आप जो ऑर्डर कर लेते हैं 80-90 हज़ार रुपए का कोई रेफ्रिजरेटर यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे रिजेक्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि इसका और आपके बिजनेस का कोई भी ऐसा लिंक नहीं है। तो ये वाली प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन को लेकर यहाँ पे घबरा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 80-90% जो बिजनेस है उसके अंदर आप सभी लोगों को पता है स्मार्टफोन का यूज तो हर जगह होता है। काफी सारे लोग जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको भी स्मार्टफोन देते हैं, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली शो कर सकते हैं कि आपको बिजनेस कॉलिंग पर्पस के लिए ये वाला जो स्मार्टफोन है आपने बाय करा है और यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होती। सबसे बढ़िया बात यही है कि जो स्मार्टफोन की कैटेगरी रहती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर उस
उसके अंदर आपके जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर आप आईफोन या फिर कोई भी अदर स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं जीएसटी वाले प्रोसेसर के थ्रू तो क्या स्टेप्स रहेंगे और कितना पैसा आप जो है इसके ऊपर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी बिल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अमेजोन आप जो बिजनेस अकाउंट है वो सेटअप करिए, आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा बिजनेस का, पैन कार्ड चाहिए होगा बिजनेस का और आपका जो अकाउंट है वो सेटअप हो जाएगा। यूट्यूब में ढेर सारी वीडियोज है, वहां पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जो बिल आएगा वो आपके बिजनेस के नेम पे आएगा और जिस टाइम पे आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं चाहे मंथली या फिर क्वार्टरली उस टाइम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जो है अपना इस वाले जो जीएसटी बिल है उसको आप शो कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो अकाउंट होगा जो जीएसटी से लिंक होगा जीएसटी नंबर से वहां पर आपका जो पैसा है वो रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो अपफ्रंट में वो पैसा एकदम फुल पे करना पड़ता है लेकिन जब रिटर्न आएगा तो पूरा आपका 17-18% तक आराम से रिटर्न हो जाएगा बिना कोई सवाल पूछे। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही और आपके पापा वगैरह को ये चीजें पता होंगी ऑलरेडी, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह में कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनको पहले से क्लियर होंगी। ये काफी सारे जो बिजनेसमैन हैं उनको अच्छे से ये चीजें पता होती हैं तो यहाँ पे आप उनके थ्रू भी जो है उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये आप सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो बात सुन लीजिए कि आपको अपफ्रंट में पूरा पैसा पे करना पड़ेगा और जिस टाइम पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जब जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आप इस बिल को लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद इसको देखकर ही आपका जो टैक्स लगा होगा 18% आपका लगा रहता है ज्यादातर स्मार्टफोन्स के अंदर, तो 17-18% जो टैक्स है वो आपका वापस आ जाएगा। बात कर लेते हैं कि कितना पैसा आप इसके ऊपर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो फोन के बारे में आज बात करने वाला हूँ लेकिन आप साथ साथ जो स्मार्टफोन लेना चाहते हैं उसका हिसाब भी लगा सकते हैं। तो आईफोन 12 64GB का जो प्राइस इस टाइम पे 68,000 का चल रहा है लेकिन इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आप इसी फोन को परचेज कर सकते हैं 55,000 से लेकर 56,000 के बीच में। अब जिन लोगों को पहली बार ये सुन रहे होंगे काफी ज्यादा स्ट्रेंज ये चीज लग रही होगी लेकिन यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है, काफी सारे लोग इसी का यूज करके खासकर जो बिजनेसमैन है जिनका खुद का बिजनेस है तो इसी तरीके से सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं लैपटॉप्स हो गए, एसी हो गए, फर्नीचर हो गए, ये काफी सारी चीजें इसी के थ्रू जो है वो बाय करते हैं। और यहाँ पे आईफोन 11 या फिर वन प्लस 9 के बारे में अगर हम बात करें दोनों 50,000 रुपए के आसपास आते हैं। तो इसके अंदर अगर आप 18% का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे इसका जो इफेक्टिव प्राइस है वो 41,000 से लेकर 42,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा बढ़िया है। और एक और एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे जो है ऐड करना चाहूंगा, आप जो है काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि अगर हम जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके ऊपर लेते हैं तो कार्ड ऑफर्स क्या एप्लीकेबल होंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे ये वाली समस्या भी बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो अपफ्रंट में जो फुल जो पेमेंट देनी पड़ती है उसमें आप कार्ड ऑफर जो है वो पहले से ही इंक्लूड रहते हैं और उसके बाद भी जो टैक्स है वो लगा रहता है 18% का, तो आप उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर ले सकते हैं। मतलब आप जो कार्ड डिस्काउंट जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा और बाकी जो टैक्स आपको रिटर्न हो जाएगा वो तो अलग है ही। सारी कहानी थी जीएसटी की और इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप कैसे स्मार्टफोन के अंदर अपना जो पैसा है वो सेव कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है जिनके घर में कोई बिजनेस करता है तो उनके लिए तो काफी ज्यादा अच्छे फायदे की बात है, एक ना एक बार आपको ये चीज ट्राई करनी चाहिए। अगर आप स्मार्टफोन के ऊपर इतना रिस्क नहीं भी लेना चाहते, ऐसे कोई भी रिस्क इसका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जो ट्राई करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे प्रोडक्ट जो कि 15,000 से 20,000 रुपए के हैं उसके अंदर आप ये चीजें ट्राई करिए और उसके बाद जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये चीज मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनका खुद का बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, जिनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो जीएसटी रिटर्न आपका फाइल करते हैं वो सारी आपको कहानी बता देंगे और वहां पे आपको एक एक चीज एक एक पॉइंट जो है वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं अब इस वीडियो को खत्म। कोई कंफ्यूजन अगर आपके पास रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, वहां पे मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।